क्या डालने लगे हो डॉगी को हैं? क्या? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जी ज़ारा इधर अपनी फ्रेंड के घर गई है, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ कि वो क्या उधर कर रही है। ज़ारा की फ्रेंड के घर में आई हूँ, तो इनके घर में ये चूल्हा जी जल रहा है। ये देखें, इन्होंने सर्दियों में ये वैसे बड़ा अच्छा रहता है, और हांडियाँ शांडियाँ मुंदियाँ पहियाँ ने, और आग लकड़ियों की, और ये पीढ़ी जी स्पेशली इस पे बैठ के खाना बनाते हैं। और इन्होंने कुछ लगाया हुआ है इधर मिट्टी में भी, पुदीना धनिया है शायद लगा हुआ, और ये दरख्त है, ये तो शरीर का दरख्त है, ये वाले जी चीज़ें और बर्तन इधर देखें कैसे चमक रहे हैं, मांझ मूंझ के तो रखे हुए हैं इन्होंने। मैंने सोचा है जी आज थोड़ी वाक ही कर लें, काफ़ी दिनों से स्मोग ने डराया हुआ है, तो लेकिन अंदर रह रह के भी इंसान चला हो जाता है, और थोड़ी सी वैसे भी वाक ज़रूरी है, तो मैंने मास्क पहन के ना तो थोड़ा मैंने कहा है कि वाक करूं। और ये इधर हमारे पास है भी जगह, शुक्र है अल्लाह का, जो बिल्कुल ही अंदरूने शहर लोग रहते हैं उनके पास नहीं होती जगह, तो ये अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, तो मैं इधर कर लेती हूँ रोज़। आसिया जी चली गई है सफाइयाँ शाइयाँ करके, बर्तन धो के, तो वो चली गई है, और फिर हम पीछे से उसकी सारे दिन जी पूरी बातें याद करते रहते हैं, बातें उसकी बड़ी मज़े की होती हैं, और वो ऐसे ही जी करती है बातें बड़ी शुगली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी हमने सब्ज़ी बनानी है, ये मैं उस दिन शलजम और ये जी मटर लेके आई थी, तो मैंने सोचा इनको मिक्स ही बना लेते हैं, क्योंकि ये मिक्स बहुत अच्छे बनती है सब्ज़ी शलजम और मटर की। तो अभी मैं इनको छील छील रही हूँ, और फिर छील लूँगी और काट लूँगी, और फिर जी कट वाट के फिर आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी इसकी इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, आज जी मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ सब्ज़ी शलजम और मटर, और हम इंशाल्लाह जी अच्छी सी बनाएंगे, कोशिश करेंगे, और अल्लाह ताला खैर करेगा। ये मैं इसमें कप आधा कप ऑयल कर डालने लगी हूँ, अभी ये जी थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें जी मैं बाकी चीज़ें भी जब आप साथ साथ ऐड करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी जी शुरू में हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, ये तकरीबन आधी चम्मच है जी ये ज़ीरा, इसको आपने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है जी, थोड़ा सा जी। और जी सब्जियां भी खाया करें कभी कभी, बच्चों को भी आदत पड़े सब्जियों की, वो बस नहीं रही चिकन पे हो जाते हैं, तो इस तरह फिर सब्जियों की अपनी फातियत है। अभी मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ,
ये जी मैंने एक ही प्याज दरमियाने साइज का, तो दरमियाना इतना ही साइज था हमारे घर में प्याज का, तो वो मैंने ले लिया। अभी इसको थोड़ा ब्राउन करते हैं और फिर आपको मैं साथ साथ चीज दिखाती जाऊंगी, जो जो कुछ डालना है हमने इसमें साथ साथ दिखाती। अभी जी मैं इसको इतना सा कुक करके, तो अभी इसमें मैं जिंजर की पेस्ट डाल दूंगी, गार्लिक नहीं है सिर्फ जिंजर है, और इसको भी थोड़ा सा जी करते हैं मिक्स। और जी मैं जदों भी वीडियो बनानी होंगी है जी रेसिपी, एक तो साड़ी मोटर चल पैंदी है, ते दूसरा जी साड़ी गली विच आ जांदा है रेड़ी वाला फ्रूट वाला, बस दोनों मेरे नाल गया है। और अभी जी ये हो जाए थोड़ा सा तो फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। अभी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ जी शलजम, पहले और साथ में ही इसके साथ में ही जी मैं मटर भी ऐड कर दूँ। ये 1 किलो शलजम है और 1/2 किलो मटर है। और इनकी थोड़ी सी जी भुनाई कर लेनी है। इसके बाद जी नेक्स्ट प्रोसेस होगा। आजकल जी सब्जियों का भी जो हमारे बचपन में जायका था वैसा नहीं आता, जितने भी हम मसाले ऐड कर लें अपनी माँ के हाथ के जो खाने थे, तो पता नहीं क्या बात है वो टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज़ में। उस वक्त बनता भी सिंपल ही थी, लेकिन ऐसा था कि नमक उसी टाइम ही कूटा जाता था और मिर्चें भी उसी टाइम ही कूटी जाती थी, और ये सब कुछ ये जो शलजम थे ये हमारी अपनी ज़मीनों में थे, तो उधर से ही ला के तो ये इनको पकाया जाता था, तो फिर अब वो टेस्ट नहीं है, इसीलिए कि अब हम तो मंडी गए या दुकान पे गए वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो अभी मैं इसमें जी एक टीस्पून कर लूँगी नमक का ऐड, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये चीज़ें भी ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमारे गांव में जी हमारे घर के पास ही ना एक जमीन थी, तो उसमें बाबा जी ने ना शलजम गोंगलू जी कटे होंगे, ते असी सारे बच्चों ने मिल के ना ते उन्होंने वो गोंगलू बड़े मजेदार होंगे ने, तुसी भी शायद कच्चे खाते हो कदे असली पट के, ते असी वो वड्डे होने तो पहले ही जी खा लेंगे, ते वो फिर बाबा जी साढ़े पिछे बच्चों के लग जाते, ते फिर इन आया कि असी ना जो नींदर भी आँदी ते फिर भी सुते भी हो गए, तो लगता है कि वह बाबा जी ना पिछे लगे उन्होंने ही होप रहा है जिन्होंने शलजम असी पट के खा जाते हैं। अभी मैं इसमें जी ऐड करूँगी पानी 1 गिलास, 1 गिलास नहीं 1/2 गिलास करूँगी, और इसको मैं भी डाल दूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस आपको फिर दिखाती हूँ। अभी इसको जी ढक्कन के साथ डाल देते हैं ऐसे करके 10 मिनट के लिए।
अभी आपने जी जब ये तकरीबन 50% बन जाए तो आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने। ये मैंने दो टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, और अभी ये जी पहले नहीं डालने जी, आपने इनको पहले थोड़ा पका लेने। तो टमाटर हम अभी ऐड करेंगे, तो आपको फिर अभी फिर ढक्कन दे देंगे जी और इसको पकने देंगे। ये है जी हमारे मटर शलजम की फाइनल लुक, और इसमें अब हम एंड में जी गरम मसाला और हरा धनिया ये स्प्रिंकल कर देंगे। और ये बहुत अच्छी सब्जी बनी है, नाइस जी। तो आप भी हमारे तरीके से बनाइए और खाइए। जजाक अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।